हेलो हल्द्वानी पर सभी श्रोताओं को प्रणाम। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, इसमें हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं की जो रचना प्रक्रिया है वो जो हजारों साल के काल क्रम में होती है, और दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा मौलिक है, हर भाषा सुंदर है, सुंदरतम है और मनुष्य के संवाद का एक माध्यम है। हम जानते हैं कि जब मनुष्य का जन्म हुआ और दुनिया में फैला और कोनों कोनों में पहुंचा, तो वहां की स्थितियों के कारण, वहां के माहौल की वजह से, वहां के जो जीव जंतु थे वो सब उसकी चीजों में शामिल हुए और उन्होंने नए नए कल्चर रख सृजित किए। सृजित क्या किया, हो गए बेसिकली वो। तो उनमें स्थानीय शब्द आए जो पहाड़ों में आए, उन्होंने पहाड़ देखे, जंगल देखे, अलग तरह के जीव देखे, पक्षी देखे, उन्होंने उनको समझने के लिए उनके नामकरण किए, कुछ परंपराओं को रचा और भाषाओं का जन्म और विकास हुआ। हिमालय में भी बहुत लोग आए और जो हिमालय का विस्तार है J&K से असम तक है, ये 3,500 किलोमीटर लंबा हिमालय है, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई में है। वहाँ बहुत पर्वत श्रृंखलाएं हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, चोटियां हैं, तो उन सबके बीच में अनेक तरह की भाषाएं विकसित हुई, क्योंकि इन भाषाओं में उस समय संवाद का भाव था, मनुष्य की आवाजाही उतनी अधिक नहीं थी, तो विभिन्न भाषाएं हुई। उत्तराखंड में भी जो दो प्रमुख भाषाएं जन्मी, जिनको नाम मिला, जिनको रूप मिला, जो प्रचार में आई, सर्वस्वीकृत हुई, उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी दो मुख्य भाषाएं हैं। नवानी जी, भाषा परिवेश से बनती है या बिल्कुल पलायन भी हम कर चुके हैं, तो क्या वो भाषा, वो शब्द रहेंगे मौजूद? हाँ, अब ऐसा है कि जो शब्द रचे गए हैं हजारों साल के कालक्रम में, पलायन कोई कहीं भी कर जाए, कुछ नए शब्द भी ले आएगा, लेकिन जो मूल भाषा का जो व्याकरण है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। हो सकता है कोई कुमाऊनी गुजरात में रहता हो, कोई गढ़वाली मुंबई में रहता हो, वहां से कुछ लेकर जरूर आएगा नए शब्द। पंजाब में रहते हैं जैसे कई शब्द आए हम, और आजादी से पहले पहाड़ के लोग, ये जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज का पाकिस्तान कहते हैं, वहां रहते थे, वहां से कई चीजें सीख कर लाए। लेकिन जो मूल व्याकरण और मूल शब्द संपदा जो उस धरती पर बनी है, जो कुमाऊं में बनी है, जो गढ़वाल में बनी है, वो एज इट इज रहेगी। हम उस व्याकरण को चाहे कुछ हो जाए वैसे बोलेंगे, वो कभी नहीं हट सकते। अब जो नया सवाल यहाँ पर आ रहा है कि जो दुनिया है इस समय, वो भूमंडलीकरण के प्रभाव से, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब वैश्विक गांवों का निर्माण हो रहा है, सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, दुनिया के बाजार में बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, जो बाजार की भाषाएं जो प्रभावित करती हैं उसको, उनके दबाव के कारण कई छोटी भाषाएं समाप्त की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की बात है, जो हमारी भाषाएं हैं ये भी हजारों साल के कालक्रम में बनी है, और ये दुनिया की बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं। इसलिए खूबसूरत हैं कि इन्हीं भाषाओं की वजह से आपके जो माँ थी, आपकी दादी थी, नानी थी, दादी की नानी थी, नानी की और नानी थी, वो किस भाषा में बात करते रहे, वो इसी भाषा में बात करते रहे जिसमें आज आप बात करती हैं। मैं उस भाषा में बात कर रहा हूँ जो मेरे माता पिता, दादा नानी, उनके दादा नाना नानी, परदादा करते थे, और उनके शब्द सौंदर्य, उनके भाव सौंदर्य से मैं प्रभावित हूँ, या जो मेरे अवचेतन मन में जो बैठ गए हैं उन्हें हम मुक्त नहीं कर सकते। भले पलायन के कारण या और इस दबाव के कारण भाषाएं का क्षरण हो रहा है, दुनिया की कई भाषाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन उसकी जो खूबसूरती हो, जब आप कुमाऊं जो क्या ये मंडल की बसें ऊपर जाती थी, जब ये रोडवेज वगैरह नहीं थी, तो जो प्रवासी लोग आते थे, हल्द्वानी से बसों में बैठते थे या गढ़वाल में बैठते थे, रामनगर से गढ़वाल के लिए या कोटद्वार से गढ़वाल के लिए,
तो बसों में जो गाने चलते थे वो गाने उस प्रवासी को भी खींच लेते थे। वो इसलिए खींचते थे कि उसके अवचेतन मन में वो भाषा रहती थी, क्योंकि भाषा आस्था का विषय है, भाषा कल्चर का विषय है, भाषा एक सिविलाइजेशन को भी उसका बोध कराती है। इसलिए हर भाषा बची रहनी चाहिए। और मैं उस प्रश्न पर आता हूं कि ये भाषाओं की बात दुनिया में कब शुरू हुई। बिल्कुल दरअसल हुआ ये कि जब भारत का विभाजन हुआ तो पश्चिम बंगाल, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वहां जो लोग थे वो बांग्ला भाषी थे, उन पर उर्दू थोप दी गई। जब उर्दू थोप दी गई तो वहां से ऑर्डर आया, फरमान आया पूर्वी पाकिस्तान से, जो वर्तमान पाकिस्तान है, कि नहीं, आपको बंगाली छोड़कर उर्दू में पढ़ना और लिखना होगा। तो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम हजारों साल से इस भाषा को बोल रहे हैं, ये हमारे खून में है। खून में क्या होता है? खून में भाव होता है, संस्कार होते हैं, शब्द होते हैं, विचार होते हैं। देखिए स्टाइल होता है, कुमाऊँने के सोचने का एक स्टाइल है और बिजनौरी के सोचने का एक अलग स्टाइल है, गुजराती के सोचने का एक स्टाइल है, तमिल वाले का स्टाइल है एक अलग है। वो भाव उनके अंदर मौजूद था। तो जब उन पे भाषा ला दी गई तो वहां के युवाओं ने यूनिवर्सिटी में प्रयास किया, जो ढाका की यूनिवर्सिटी थी बांग्लादेश में, कि हम 16 फरवरी 1956 की बात है, कि हम उर्दू को नहीं अपनाएंगे, अपनी भाषा बोलेंगे। तो एक आंदोलन हुआ जिसमें गोली चली, तीन छात्र थे जो शहीद हुए, और जैसे उन छात्रों पर गोलियां लगी वो आंदोलन फैल गया। और जब वो फैल गया तो बड़ा बवाल हुआ, पाकिस्तान को ये मानना पड़ा कि उनकी भाषा को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम करोड़ों लोगों पर वो भाषा नहीं थोप सकते जो उनकी भाषा नहीं, उन्होंने कभी सीखी नहीं है। मान लीजिए हम कुमाऊं में, अब ये एक एक ऑफिस ऑर्डर जिसे कहते हैं, इस तरह का शासन का आदेश लाते हैं कि कुमाऊं वालों को तमिल में ही अब काम करना पड़ेगा। फिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, सीखी नहीं। ठीक वही हुआ, तो उन्होंने विरोध किया। और तब इस बात को जब आंदोलन बड़े लेवल पर फैला तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर ध्यान दिया, और उन्होंने 21 फरवरी जो मतलब उसमें एक आंदोलन की जिसको जिसे कहते हैं वो आगाज हुआ, तो उस आंदोलन के कारण ये हुआ कि जो भाषाएं हैं उनको, मातृभाषा है उसको मतलब स्वीकार किया। फिर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी, इस रूप में मान्यता दी कि दुनिया की जो सांस्कृतिक विविधता है ये भाषा उसका भाग है। और भाषाएं और कल्चर एक दिन में नहीं बनते। अब हम जब गढ़वाली कुमाऊनी हम कहेंगे चलो जी हम तेलुगु कल्चर अपनाते हैं, तो हम कतई नहीं अपना सकते। वो तो हमारे अवचेतन मन में है कि हम बचपन से क्या सुन रहे हैं, हमारी माँ क्या करती रही है, हमारी दादी क्या करती रही, क्या बोलते रहे हैं, वो हरेला मनाते रहे हैं, कुछ करते रहे हैं। अब वो पोंगल वाला तो मना नहीं सकते, वो बैलों की लड़ाई करते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार में वो आया नहीं है। हमारे संस्कार में जो है हम उसी को मनाएंगे। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर इस पर विचार किया, और 17 नवंबर 1999 को एक प्रस्ताव संख्या 61/266 पारित किया गया, जिसमें हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने को स्वीकृति दी गई, और तब से दुनिया में मनाया जा रहा है। और दुनिया में पहली बार 21 फरवरी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, बिल्कुल तब से दुनिया के बहुत लोग मना रहे हैं। अब हम पहाड़ पे जी फिर आ जाते हैं। बिल्कुल अब पहाड़ पर आते हैं, यहाँ की भाषाएं हैं बहुत सारी हैं। सन 2010 में यूनेस्को ने एक एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर प्रकाशित की। इसमें ये कहा गया है कि दुनिया में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कई भाषाएं इस सदी के अंत तक समाप्त हो जाएंगी। अब ये कौन सी भाषाएं समाप्त होंगी? जिनमें बोलने वाले कम है, शिक्षा का अभाव है, और खासकर चेतना का अभाव है, सांस्कृतिक चेतना का अभाव। ओके इनमें से भी भारत में लगभग 193 भाषाएं हैं,
जैसे जो मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के, अंडमान निकोबार के, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अभी शिक्षा का वो नहीं है, जिनके अंदर चेतना नहीं है, लोग वैचारिक और शैक्षिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं। उनमें 193 भाषाएं भारत की हैं, उन पर खतरा है। और क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं पर भी जो अब तक का प्रभाव था राज्य बनने से पूर्व, इनकी भाषाओं को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। जो उत्तराखंड के लोग भी थे, अपनी भाषाएं, जैसे दिल्ली के बाजार में कोई कुमाऊनी चला गया ना, उसको पूछो भाई आप कुमाऊनी है क्या, कह रहे बिल्कुल भी नहीं है, गढ़वाली है। उन्होंने कहा कौन है जी आप, लोकेश शर्मा हूं जी मैं। यानी अपनी पहचान छिपाते थे, क्यों, हमें कमजोर माना जाता था, पिछड़ा हुआ माना जाता था। अब भाई ऐसा है कि कोई मुझे पिछड़ा भी पिछड़ा कहे तो मुझे शर्म लगेगी ना, आप ही मुझे बेवकूफ कह दो तो मैं बड़ा वैसा महसूस करूंगा ना। बिल्कुल, बल्कि भनमजुआ की छवि भी थी। यस हाँ, अनस्किल्ड वर्कर थे, घरों में नौकर थे। जब मैं छोटा था, मुझे याद आ रहा है, हमारे गांव के कई लड़के जाते थे जिन्हें हम चाचा वाचा बोलते थे, वो बड़े शौक से दिल्ली वहां जाते थे, मतलब दिल्ली विल्ली में। दिल्ली बड़ा बाजार बन गया था 1947 के बाद ना, पहाड़ियों का। इस समय भी 30 लाख से अब उस एरिया में मतलब रहते हैं एनसीआर अच्छा में। अच्छा क्या हुआ, तो ज्यादातर जो लोग जाते थे तो जो बड़े साहब थे उनके घर में भोजन बनाते थे, यानी घरेलू नौकर नंबर वन। नंबर टू गार्ड्स का काम करते थे, अनस्किल्ड वर्कर का काम करते थे, कुत्ते घुमाने का। लालाओं की दुकान में काम करते थे। तो अब भाई ऐसा है कि तब पूछेगी आप कौन है, लोकेश कौन है आप, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लोकेश शर्मा हूं, मैं लोके, यानी अपना छिपाते थे। भाषा और संस्कृति के प्रति हम उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे, तो हम ये करते थे। हमारे अब ये तो तुम पता नहीं, शायद जानकारी हो ना, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो उम्र में, लेकिन ये हमारा इतिहास रहा है। तुम्हें पता नहीं, ये मालूम है नहीं है कि जो हरिद्वार है, यहाँ पर मुंबई के लोग पहाड़ की लड़कियों को विवाह के लिए ले जाते थे, खरीद के भी ले जाते थे। ये बहुत 1930 के आसपास की बात है। ऐसे में अपने को श्रेष्ठ मनुष्य कहना, हमें तो मतलब कह नहीं पाते थे लोग, हमें ऐसे तुच्छे समझते थे। तो मैं वैसे ही बातें बोलने लग गया हूँ, बल्कि ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए था, पर गड़बड़ बोल दिया मैंने, तो बोल दिया। यानी अपने को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त पाते थे। धीरे धीरे इसका प्रभाव हमारे इस पर पड़ा। और दूसरी एक बड़ी बात हुई कि जब 1814 में खुड़बड़ा में एक लड़ाई हुई थी, जहां पर जो गढ़वाल का राजा था वो लड़ते लड़ते मारा गया था, अच्छा और उसके बाद अंग्रेज, उसमें जो नेपाली लोगों ने आक्रमण किया था ना, पहले 1890 के आसपास तो कुमाऊं पे कब्जा कर लिया था, फिर 1804 में गढ़वाल पे कब्जा कर लिया था, और अंत में राजा मारा गया। तो उस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि फिर वो अंग्रेजों ने राजा की तरफ से लड़ाई की और गोरखों को हराया, यानी नेपाली राजाओं को, और उन लोगों को फौज में भर्ती किया, गढ़वाली कुमाऊनियों को। सिरमौर में गोरखा बटालियन बनी पहली, और उसमें गढ़वाली कुमाऊनी भर्ती हुए। तो जो बाहर जाने लग गए तो उनको बाहर का ज्ञान प्राप्त हुआ, और बाहर का ज्ञान प्राप्त करने से, तो पहले तो उन्होंने अपने को हीन समझा, कि जो आज हम बड़े बड़े लोग देखते हैं ना, उन लोगों ने कई 100 साल संघर्ष करके उनके पूर्वजों ने ये स्थितियां प्राप्त की गढ़वाल में, कुमाऊं में। तब जब ये चेतना फैली कि यार हम भी कुछ हैं, पढ़ लिख गए, तब भाषाई चेतना का विकास हुआ। लेकिन तब तक हमारी भाषाओं पर बहुत खतरा मंडरा चुका था। और जब लोगों को समझ आया कि कुमाऊनी भी उतनी सुंदर है जितनी इंग्लिश, गढ़वाली भी उतनी सुंदर है जितनी उर्दू, ये उतनी समृद्ध है। अगर मैंने जो कविता पढ़ी है, अगर कोई हिंदी वाला समझ ले तो मैं समझ जाऊंगा उसे आती है, लेकिन वो जो मैंने कविता पढ़ी है तो आपको मालूम होगा उसमें हर शब्द पहाड़ी का है, यानी गढ़वाली का है, इसी तरह कुमाऊनी का है। वो भाषाएं उतनी खूबसूरत है, उतनी कर्णप्रिय है, उतना ही आनंद आता है। मुझे नहीं पता तुम कुमाऊनी गीत सुनती हो या नहीं सुनती हो, बिल्कुल सुनती हूँ, अगर बिल्कुल। सुनती हो तो इट मीन्स कि वो भाषा तुम्हारे अवचेतन मन में मौजूद है, वो उतनी ही मौलिक है, उतनी ही सुंदर है, उतनी खूबसूरत है, उतनी ही प्रिय है। तो हम जो बीच में भाषा है हमारी, बिल्कुल हमारी बिल्कुल विरासत है, हमारी धरोहर है।
उसे हमें बचाना चाहिए। इसी कारण यूनेस्को ने कहा कि जो दुनिया की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है उसको बचाया जाना चाहिए, वो उतना ही अच्छा है। एक वो है ना, अंडमान निकोबार में जाते हैं हम लोग, तो हाँ सुना वो होगा कि वहां आज भी लोग वस्त्रहीन रहते हैं, लेकिन वो अपनी भाषाओं में गीत गाते हैं। वो ये वाला गीत नहीं गाते, ये जो बंबई के फिल्म जगत का, वो बिल्कुल क्यों गाते हैं? उनका जो शब्द सौंदर्य है अपनी भाषा में। इसलिए दुनिया में भाषाओं को बचाने की बात हुई, तो इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर उत्तराखंड में भी जिसने भाषा की कार्यक्रमों की, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की शुरुआत की, वो धादने की है, बिल्कुल समझ गए? और इसको हमारा जो इसका पहला फंक्शन था शायद 2008 में हमने किया था इसे, और एक चिंताएं की कि हमारी भाषाएं खूबसूरत हैं, मातृभाषा माँ जैसी सुंदर। हमारे संवाद का है, अब तुम्हारे जैसे शायद नानी अगर इस समय हो तो वो हिंदी से अच्छा कुमाऊनी बोलती होगी। संप्रेषणीयता उसमें अधिक है, क्योंकि हम उसे बचपन से सुनते आए हैं। और कई लोग जो ऐसे कहते हैं ना, अरे मुझे कुमाऊनी नहीं आती, मैं बोल नहीं सकता, तो वो 1000% असत्य बोल रहा है। माँ की कही भी कोई भाषा जिसे बचपन में मैंने सुना है, वो हर शब्द मेरे अवचेतन मन में मौजूद है, मेरे जो कंप्यूटर में मौजूद है, वो प्रकृति का जो कंप्यूटर है ना। बिल्कुल अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने मुझे नहीं मालूम है, तो मैं किसी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल असत्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और कोई ऐसा फोर्स है जो मुझे मजबूर कर रहा है बोलने के लिए, हाँ वो बाजार का फोर्स हो या हाँ। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नवानी जी, हाँ जैसे हम धात को जो हम जानते हैं तो बिल्कुल भाषा के एक पर्याय के तौर पर जानते हैं, धात मतलब बिल्कुल भाषा, भाषा आंदोलन या भाषा, तो पता नहीं क्यों एक तो इतना करीबी, इतनी आत्मीयता एक दूसरे में गूंथे हुए कैसे हो गए? कब से ये काम शुरू किया आपने, शुरुआत कहाँ से की है भाषा को लेकर, जो पहला काम आपने किया? और धात जो नाम है, मुझे लग रहा है अपने आप में वही एक बड़ा पहाड़ी नाम है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो भी एक भाषा का ही एक मतलब एक हाँ प्रतीक है, इतना हाँ सुंदर नाम आपने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो वहां से मुझे लगता है शुरू करें, आपकी कैसे भाषा पर काम करना शुरू किया और कब कब क्या क्या फिर आप लोगों ने किया? ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मुझे खुशी होगी धात के बारे में बताते हुए। मैं मूल रूप में वैसा ही संवेदनशील हूँ जैसे पहाड़ का हर बच्चा संवेदनशील होता है, मेरा भी अपनी भाषा के प्रति वैसा ही आकर्षण था जैसे अभी हमारी बात हो रही थी। लेकिन भाषा को बचाने की बात नहीं तब समझ आती थी, और जो प्रवासी समाज है उत्तराखंड का, वो बस गया, और सन 52 के बाद तो वो बहुत सारी बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच गया, गढ़वाल के, कुमाऊं के। 1000 लोग नहीं गए, 2000 नहीं गए, 5000 नहीं गए, 10000, लाखों लोग चले गए। इस समय लगभग NCR जो कहलाता है उसमें 30 लाख के करीब उत्तराखंडी हैं, गढ़वाली कुमाऊनी साथ। अच्छा। अब हुआ क्या कि जो पुराने समय में तो जैसे कि अभी चर्चा हुई थी संघर्षों के लिए चले गए, ये बात सुनने वाली है। जब संघर्षों के लिए चले गए तो होता क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते थे। कई ऐसी पुरानी कविताएं अगर आप सुनेंगे जिनमें दया का भाव आता है, जैसे कई लड़कों की शादियां हो जाती थी, दिल्ली चले जाते थे तो गांव में उनकी पत्नियां रह जाती थी, कई साल तक वो लड़का आता नहीं था, क्योंकि काम कहाँ कर रहा है, वो लाला की दुकान में, लाला क्या दे रहा है, बहुत कम, तो वो घर आने का किराया नहीं जुटा पाता था। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पुराने समय में जो हमारे समय के गीत थे, वो जो हमारे पुराने समय के गीत थे, वो गीत प्रेम गीत होते थे, विरह के गीत होते थे, और बहुत गाते थे। इस मतलब जिसे नराई लगना कहते हैं, खुद लगना गढ़वाली में कहते हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हमें सुनने को मिलेंगे। हम दुख जताते थे, रोते थे, और इवन गीत गाते हुए रोते भी थे। अब क्या हुआ कि सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं। भाई तुम तो हिंदी जगत में रह रही हो, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ रही हो, लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है,
उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी अपने गीतों को सुनकर, भाव विभोर तो उन्हीं में होगा वो। बिल्कुल तो उसमें बिल्कुल क्या हुआ, बहुत लोग गीत गाते थे, गढ़वाली कुमाऊनी के बहुत प्रोग्राम होते थे, खासकर दिल्ली में, क्योंकि सर्वाधिक लोग कहाँ गए, दिल्ली। क्यों गए दिल्ली, क्योंकि नजदीक था और दिल्ली राजधानी बन गई, तो सर्वाधिक गए, तो गीत गाने लग गए वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे समाजों ने दूसरे समाजों से डायलॉग हुआ हमारा, अब कोई बिरला मिल में काम कर रहा है, कोई फलानी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई फरीदाबाद में काम कर रहा है, तो जमा होने लग गए। तो उसमें धीरे 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 ये बात आया कि हम लोग प्रेम गीत गा रहे हैं, हम विरह गीत गा रहे हैं, हम श्रृंगार गीत पहले बहुत गाते थे ना, भाषाओं में होते हैं। लेकिन जब हम उन समाजों से गए जो हमारी तरह संघर्ष कर रहे थे, जैसे बिहार के लोग, जैसे पूरब के लोग, जैसे आदिवासी लोग, तो हम भी मूलतः वही समाज थे, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, तभी तो वहां गए। तो हमने जब उनके साथ अध्ययन किया, अपने को कोरिलेट किया, अरे तू क्या कर रहा है भाई, मैं तो भाई फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं भी पहाड़ का हूं, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, तेरा दुख क्या है जो मेरा दुख है, मेरा दुख क्या है जो तेरा दुख है। अब जब ये जब होने लग गए, तो इसमें कुछ लोग जो नई चेतना के लोग थे, जिसमें खासकर जनपक्षधरता जिसे कहते हैं, जिसे प्रगतिशीलता कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मनुष्य के जो दूसरे सरोकार है, संघर्ष के, दुख के, तकलीफ के, उन पर भी काम होना चाहिए। तो और हम पहले अपनी, मेरी देवभूमि कुमाऊं, मेरी देवभूमि गढ़वाल, ऐसे गीत बहुत गाते थे, महिमा मंडन करते थे ना पहले। अब उन्होंने कहा भाई कुमाऊं तो कुछ भी नहीं है, गढ़वाल तो कुछ भी नहीं है, ये तो जंगल है, खरड़े डांडे, खरड़े में नंगे पहाड़, इनमें कुछ हो नहीं रहा है। तो जो लोगों ने फिर आत्मालोचन आरंभ किया और एक नई कविता का जन्म हुआ, हम जिसे देवभूमि कह रहे हैं वो तो अभावों की भूमि है, किसने कह दिया देवता रहते हैं वहां पर कुमाऊं में, ये कल्पनाओं के देवता रहते हैं। तब उन्होंने यथार्थ की कविता को पर काम करना क्या, यथार्थ जीवन की का, जैसे अब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं ना, वो कगार की आग, हिमांशु जोशी की। तो कितनी खतरनाक कहानी है, वो हमारे जीवन का सच है। क्या मैं सुनीता जो हिमालय की देवी है उससे बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं उस मनुष्य से बात कर रहा हूँ जो उन सरोकारों को जानता है, जो संघर्ष को भुगत रही है, भोग रही है। नहीं समझे, ऐसे हजारों लोग थे, तो उन्होंने नए साहित्य को लिखा, और उस समय धाद ने ये महसूस किया जैसे कि भाई हमारे क्या सरोकार, हमारी क्या चिंताएं, क्या प्रेम ही हमारा सरोकार है, या श्रृंगार हमारा सरोकार है, या देवभूमि की याद हमारा सरोकार है। तब धाद ने, जैसे मैं भी दिल्ली में रहा पहले कुछ साल, तो हमने क्या किया, क्या मैं बड़ा ऑफिसर बन गया, क्या मैं भी वही तो बना, तो मेरे अंदर वो संघर्ष मुझे महसूस कर, ये तो कुछ और चीज है, ये अंतिम नहीं है। तो हमने फिर, मैंने धात की स्थापना की, उससे पहले मैंने एक चिट्ठी बनाई, उसके कुछ फोल्डर निकाले 1984 में, जब मैं देहरादून में जॉब में लगा, फिर मैंने उस कविता पर काम, कविता और साहित्य पर काम करना शुरू किया। कई लोग कहानियां लिखते हैं, हमारे गांव की अलग कहानियां हैं, आपके गांव की अलग कहानियां हैं, और यथार्थवादी जो चीजें हैं उनको साहित्य में अपनाने के लिए धाद का जन्म हुआ। तो धाद 1987 में एक पत्रिका के रूप में स्टार्ट हुई, और उसमें कविता कहानी जो उस समय चल सकता था, जो समय की चेतना थी, अब वो उस समय की चेतना के हिसाब से इतने आगे लोग नहीं थे, भावुक लोग थे, जो भाषा की बात करता था वो भावनात्मक आदमी था, सांस्कृतिक प्यास थी उसको, कशिश थी कि वो अपनी भाषा ये चीजें सुनना समझना चाहता था, उन कहानियों को भूलना नहीं चाहता था। अब तो मॉडर्न हो गए ना, तो तब 1987 में धात शुरू हुई, ये भाषा के नाम से शुरू हुई, एक पत्रिका थी, पत्रिका आज दूसरा लोग चला रहे हैं, लेकिन धात ने फिर इसको एक रचनात्मक आंदोलन नाम दिया, और कवि सम्मेलनों की परंपरा की गढ़वाली और कुमाऊनी में, और इस तरह से फैलता गया फैलता गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि मैंने, मतलब अनंत जिसे उस समय गतिविधियां की, फिर दिल्ली में किया, कोटद्वार में किया,
हरिद्वार में किया, दुगड्डा में किया, पौड़ी में किया, नैनी वो क्या कहते हैं अल्मोड़ा में भी 2004 में बहुत बड़ा सम्मेलन किया गढ़वाली कुमाऊनी का, गोपेश्वर में किया, टिहरी में किया, राजा के टिहरी में किया, देहरादून में किए, मैंने अपने गांव में बहुत सारे किए। अच्छा और भाषा के जो विषय थे उन पर उनको उन पर विमर्श किया, और उसमें हमने कुछ कुछ बिंदु जो हमें महसूस हुए कि कई लोग भाषा के व्याकरण में उलझते हैं भाई कि भाषाएं नहीं है, कुमाऊनी कोई भाषा नहीं है। अरे भाई भाषा क्यों नहीं, मैं अगर कुमाऊनी में बोलूंगा आपको तो आप कुमाऊनी में समझेंगे, इट मीन्स उसका व्याकरण तभी तो कोई समझ रहा है, बिना व्याकरण के कोई कैसे समझ सकता है, ओ तो वो गलत इंटरप्रिटेशन है उसका। अच्छा आप अपनी माँ जी से बोलते हैं कि आपकी माँ पूरी समझती है उस भाषा को, तो भाई साहब अगर आप ये अपनी माँ जी के साथ, अपनी दादी के साथ, नानी के साथ, पिताजी के साथ जो कुमाऊनी में बातचीत हो रही है बिना व्याकरण के होती नहीं है, तो हर भाषा का एक कंप्लीट व्याकरण होता है, चाहे वो देवघाट में हो, चाहे कौसानी में हो, चाहे चंपावत में हो, बिना व्याकरण के तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो तो जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा को किन मानकों के आधार पर शामिल किया जाता है? भाई भाषा के जो मानक हैं वो यही तो है कि वो उसका अलग व्याकरण है, उसकी शब्द संपदा है, उसका भाव सौंदर्य है, उसका अर्थ सौंदर्य है, उसके बिंब विधान अलग हैं, यही तो है उसका हाँ तो मतलब मूल व्याकरण है ना, तभी तो बोल पाते हैं, तो ये सब उसके तो अलग उपमाएं हैं, नहीं समझे। बिल्कुल बिल्कुल अब जैसे हम घुघुती पहाड़ में एक पक्षी होता है ना, कुमाऊं में भी होता है क्या वो, तो अब ये हमारे यहाँ बड़ा महत्व है उसका, लेकिन वो मध्य प्रदेश में उसका मूल्य नहीं है, उसको वो फाकता बोलते हैं, हाँ उसको मार मूर के खा भी जाते हैं। हम तो भूति को संदेश का वाहक बोलते थे पहले, मेरे मायके जाना और ये बोलकर आना मेरी माँ से, बिल्कुल कहते थे कि नहीं कहते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और वहां क्या कर रहे हैं, वो मार मूर के खा जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ भूति बड़ी मूल्यवान है, और हमारे यहाँ क्या होता था, भूति शीत ऋतु में प्रवास करती है, तो हम समझते थे कि वो कहीं गई हुई है और वो मेरी माँ का रैबार लेके जा रही है, मेरी माँ का संदेश लेके जा रही ओ क्या बात है, बिल्कुल है, नहीं समझे। हम ऐसी कल्पनाएं हमने गढ़ी ना, भूति सचमुच संदेश थोड़ी दे आती बेचारी, पर हमने उसको, इसको बोलते हैं कवि दृष्टियां, पुराने साहित्य में पढ़ाते थे, अब तो पढ़ाता भी नहीं कोई, कवि दृष्टियां जो कवि प्रसिद्धियां बोलते थे, कवि प्रसिद्धियां, बड़े अच्छा विद्वान बताएंगे जिन्होंने पुराना साहित्य पढ़ा है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ कोयल होती है, उसका अलग नाम है, म्योलड़ी बोलते हैं उसको, जैसे हमारे ये जो फ्योलड़ी फूल नहीं होता पीला पीला, हाँ हाँ प्योरली तो इसकी मान्यता है यूरोप में, इसे एक वो क्रीपर बोलते हैं, उसको महत्व है ही नहीं कोई, क्रीपर मतलब एक सामान्य सी बेल, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा महत्व है जी, फ्योली फ्योली बोल रहे हैं बिल्कुल हम, कापाल को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उनके लिए कापाल कुछ भी नहीं है, वाइल्ड फ्रूट है वो, कुछ समझ आ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल इनको हमारे सांस्कृतिक रूप से जो उपलब्धियां थी या जो चीजें उपलब्ध थी उनको हमने रूप और नाम दिए, और उसमें मुख्य बात ये हमने समझ ली कि भाषा एक ज्ञान है, हर भाषा मौलिक है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, दुनिया की कोई भी भाषा दुनिया की किसी भाषा से कमतर नहीं है। चलिए मैं अब सब बातें खत्म करता हूँ, कहता हूँ कि आज तुम्हारी नानी है क्या, नहीं नानी नहीं है, दादी थी अभी 2 साल, चलिए वो 1 साल पहले गई कोई हैं। तीसरी नानी है आपके गांव में कहीं है ना, होगी कोई, हाँ। अब उसको इंग्लैंड में ले जाएंगे आप, उसको इंग्लैंड भेजो, क्या वो हमारी जो जो भी नानी है वो इंग्लैंड में संवाद कायम कर सकेगी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकेगी, उसे समझ में आएगा क्या बोल रहा है। जैसे पहाड़ी स्त्रियां दिल्ली में जाती थी, हिंदी नहीं बोल पाती थी पहले, पता नहीं सुना होगा तुमने, नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, नहीं सुना है और पता नहीं है मैंने। हाँ सुन रखा, नहीं नहीं सुना है। हाँ सुन रखा है, तो पहले बोल नहीं पाती थी, बड़ी अटपटा लगते थे वो, अच्छा पहचान में आते थे, लेकिन भाषाओं की बात है कि हमारी भाषा कमतर नहीं, क्योंकि मेरी नानी और तुम्हारी नानी एक भाषा में बात कर सकती थी, तो हमारी भाषा ना कमतर ना अधूरी है ना बुरी है, कोई कमजोर है ही नहीं,
अच्छा, भाषा ये को लेकर जो मजाक थोड़ा सा बनाई जाती है ना कि गढ़वाली में क्या होता है यहाँ पे बल बोलते हैं हॉर्स। ना, जैसे हाँ, जैसे कुमाऊनी में ठहरा बोल देते हैं, गढ़वाली में बल, तो सौ इसको मजाक बनाते हैं, सौ लेकिन ये सौ कुछ, सौ सौ का मजाक बनाते हाँ हैं और साक्षात वो डायलेक्टिकल टोन्स हैं वो बेसिकली। इसमें समझना होगा कि अंग्रेजी तो कितने उसमें 26 में बोली जाती है, हिंदी में अलग बोले जाते हैं, नहीं समझे। अब जिस भाषा में, क्योंकि भाषा एक दिन में तो बनी, परसों नरसों बनी क्या कोई भाषा, या 50 साल में तुम्हारे मेरे पैदा होने के बाद, तो जो डायलेक्टिकल टोन चली आ रही है उसकी अपनी विशेषता है, हम वैसे ही बोलेंगे। ये जो सा शा और मूर्धन्य शा की जो हम बात करेंगे, ये हिंदी से आ रहे हैं। आपको भाषा जो विज्ञान हम पढ़ते हैं, तो उसमें भाषा सुख या मुख सुख बोलते हैं, जिसे भदेश भाषा भी बोलते हैं। जैसे बिहार की भाषा सुनो तो वो कैसे बोलते हैं, उनका डायलेक्टिकल टोन अलग होता है, वो भी सा शा में नहीं बोल पाते, लेकिन उनका फलक हमसे विस्तृत है, इसलिए कोई सवाल नहीं उठाता। हम छोटे फलक वाले भाषा के क्षेत्र हैं, इसलिए हम मजाक उड़ा देंगे, कुमाऊनी शाह बोल रहा है, गढ़वाली शाह बोल रहा है, ये किसी भी तरह खराब नहीं, मुझे कुमाऊनी में शाह ही बोलना है। क्यों? मेरे मन में जो भाषा और शब्द आ रहे हैं वो कहाँ से आए, मेरे पूर्वजों से, मेरे परिवार से, मेरे समाज से, मेरे गांव से, मेरे पहाड़ से, तो जो आया वही तो बोलूंगा मैं क्यों जबरदस्त छू। जब हम वो जो समकालीन जो भाषाएं होती हैं, जैसे मार्केट की भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, तो जब उसे बोलेंगे उसके शब्द वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि अब हम हिंदी के करीब जा रहे हैं, इसलिए हम पहाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये मजाक उड़ाने की बात नहीं है, ये हमारी ओरिजिनलिटी है जो हमें शब्द वहां से प्राप्त हुए। हाँ, जब बिल्कुल। हिंदी समाज में बोलते हैं तब सा और शा का अंतर समझना चाहिए। वहां पे तो हम मतलब मैं सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगा, तो हिंदी के अकॉर्डिंग ही बोलूंगा, मैं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, या शक्ति को शक्ति नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए। यानी कि जो भाषा अलग अलग रूपों में है, तो जो जो भाषा है जिसका जो शब्द है उसके उस शब्द को वहां प्रयोग करें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी भाषा में जो हमारा है वही तो बोलेंगे, क्योंकि वही तो मैंने सीखा है। बिल्कुल नवानी जी, जैसे आपने बाजार की बात की इससे पहले, भूमंडलीकरण की तमाम चीजों की, तो अभी का जो सिनारियो है गांव का, मुझे याद है हम अपने सरकारी स्कूलों में जब पढ़ते थे तो पहाड़ी में ही बुलाचियां, हाँ, हिंदी बोलते ही नहीं थे स्कूल के बच्चे भी। बिल्कुल अब हम देख रहे हैं कि वो केजी नर्सरी भी शुरू हो गया पहाड़ों में, तो वो उसके साथ वो हिंदी भी आ गई है और इंग्लिश भी आ गई है। तो अब ये बाजार संकट की जो, तो कितना, हाँ संकट मानते हैं इसे या कितना हाँ अब ऐसा सब। है, जो बाजार है, बाजार का बड़ा प्रभाव होता है। दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे नेपाली है ना, नेपाली तो नेपाल एक राष्ट्र बना, तो नेपाली गढ़वाली कुमाऊनी एक ही जैसी तो है, कौन सी वो अलग है, लेकिन वो राष्ट्र बना, उसको मान्यता मिली, तो भाषा की मान्यता मिली, भाषा के रूप में आज भी राष्ट्रभाषा है हमारी भाषा, क्योंकि हम राज्य थे पहले तो हमें मान्यता नहीं मिली, तो हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाई गई, हिंदी, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी पढ़ने के कारण हमें नौकरी मिलेगी, बाहर जाना होगा, समझ गए ना। बिल्कुल। तो उस समय तो वो समाज था जब भाषा अधिक बोली जाती थी समाजों में, तो आपस में बातचीत वगैरह करते थे, लेकिन बाद में जब कॉम्पिटिशन होने लग गए, बाजार का जो बाजार में जाने लग गया, बाजार हमारा कहाँ, बाजार रामनगर थोड़ी है, हल्द्वानी बाजार नहीं है, बाजार दरअसल इंटरनेशनल था, बिल्कुल। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, तो हमने वहां के लिए अपने को तैयार करना था, इसलिए हम पर दबाव पड़ा, हम अंग्रेजी और वो सीखने लग गए। आश्चर्य की बात है कि गढ़वाल और कुमाऊं में बहुत सारे विद्यालय ऐसे खुले हुए हैं जो बच्चों को पढ़ाने लग गए, और माँ बाप पे दबाव ये रहा कि हमारे बच्चे को अच्छा बनना है, तो उसने अपनी भाषा को छोड़कर वो सिखाया, ये भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का एक वो था, समझ लिया ना। अब बिल्कुल जब अगर ये बिल्कुल। 8वीं अनुसूची में लाने की जो बात चल रही है, इसमें भी ये होना है कि 8वीं अनुसूची में लाने का प्रयास इसलिए हो रहे हैं, अगर ये भाषा 8वीं अनुसूची में आती है, इसमें तीन चार फायदे हैं। एक तो जो हमारे स्कूल कॉलेज की बुक्स होंगी ना, वो गढ़वाली कुमाऊनी में छप सकेंगी। अच्छा, हाँ, नंबर 2, जो मतलब साहित्य अकादमी के पुरस्कार हाँ,
पुरस्कार है दिल्ली वाली, हाँ उसके हम पात्र होंगे। नंबर थर्ड, हमारी भाषाई, जैसे हम कुमाऊनी हैं, कुमाऊनी दरअसल एक सिविलाइजेशन भी है, एक कल्चर भी है, सभ्यता का आधार होती है ना भाषा, तो इसकी पहचान होगी, नहीं तो हम हिंदी में के अंतर्गत आते हैं ना, गढ़वाली भी इसी में आते हैं। फिर इसके साथ जो इंटरनेशनल जैसे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, उसमें हम अपनी चीजें भेज सकेंगे। इसलिए भाषा का संघर्ष चल रहा है और भाषा के लिए बड़ी कोशिशें हो रही। सरकार ने अभी 21 तारीख को कुछ लोगों को भाषा के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव लक्षण है उसे बचाने का। अब यहाँ पर जो बाजार है, बाजार नौकरी का बाजार, चाहे वो हमने एप्पल ज्वाइन करना है, माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करना है, वो अंग्रेजी का है, तो भारत का जो वैसा वर्ग है जो जिसके पास संसाधन है, वो अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, अंग्रेजी। वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका बस रहा है, कनाडा, इंग्लैंड एटसेट्रा, जहाँ जा रहे हैं, सैकड़ों गढ़वाली कुमाऊनी वहां रह रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, अच्छे जीवन के लिए, तो उनको वो रास्ता मिल गया है, तो भाषा, क्योंकि उनको रोजगार के अच्छे वो मिल रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं, यानी जो बाजार की भाषा होगी, शिक्षा की भाषा होगी, लोग उसे ग्रहण करेंगे, अपने को बाजार के लिए तैयार कर रहे हैं ना अपने बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही जो प्रोफेसर हैं आपकी यूनिवर्सिटी के या यहाँ के या कहीं के या केंद्र में जितने अधिकारी हैं, वो अंग्रेजी हिंदी सीख कर ही वहां बैठे हैं, बल्कि अंग्रेजी सीख कर बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल हिंदी की बिल्कुल। बारी आ रही है, तो हिंदी में भी अब करने लगे हैं, यूपीएससी परीक्षा करने लग गई ना, हाँ, अब हिंदी में करने उसके लिए लगे। भी बहुत लोगों ने संघर्ष किया आजादी के बाद भी, पता है अच्छा। कि किसी तरह लोग भाषाओं के लिए, मातृभाषाओं के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी जो भाषा की बात हो रही है, इसीलिए हो रही है कि जो मातृभाषा है, जो घर में बोल रहे हैं, जो बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से, दादी से, नानी से, पिता से, गांव में, गांव की दुकान में अपनी भाषा बोल रहा है, तो उसमें बातों को समझना सरल होता है। हम अंग्रेजी सीखते हैं ना और हिंदी भी सीखते हैं, लेकिन हिंदी में 1.5 लाख से ऊपर शब्द हैं, आपको कितने शब्द याद हैं, नहीं हो सकते, लेकिन अपनी माँ की भाषा में जो आपने गांव में बोलते हैं, वो सारे शब्द आपको फटफट फट समझ आते हैं। क्या हल्द्वानी में रहने के बाद जब तुम गांव गई हो, कुमाऊनी में किसी ने तुमसे बात की हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आई, ऐसा नहीं है, वो आ तो जाती है ना। आ आती आती है। हाँ, लेकिन हिंदी के कई शब्द हैं जो हमें आज भी नहीं आते, बिल्कुल। तो सर, प्रयोग होते। आठवीं अनुसूची का जो ये लड़ाई है, संघर्ष है, कहाँ पहुंचा है और क्या लग रहा है कि कब तक मान्यता मिलेगी? ये दरअसल इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये जो उत्तराखंड भाषा संस्थान बना है, ये भी भाषाओं को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन इसमें राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है, ये संसद में उठाया गया था, लेकिन इसकी स्टडी होती है, तो जो उसकी समिति बनेगी वो इसे रिकॉग्नाइज करेगी, तब उसे मिलेगा। ये इतना सरल कार्य नहीं है, इसमें बहुत सारे काम होने हैं, अच्छा साहित्य लिखा जाना है, अच्छे साहित्य की भी समझ आएगी, जैसे मैंने बताया पुराने समय में कैसे साहित्य लिखा जाता है, समकालीन विश्व साहित्य कैसा लिखा जा रहा है, उस स्तर का जब आप लिखेंगे तो तब आपकी भाषा को रिकॉग्निशन मिलेगी। अभी उसका व्याकरण है, अब क्योंकि हमने तो छोड़ दिया, पर 30 लाख जो पहाड़ी रहते हैं दिल्ली में, बसों में रोज मिल जाते हैं, मेट्रो में रोज मिलता है, तो कुमाऊनी गढ़वाली में बात कहाँ करते हैं, नहीं करते ना। तो सर, ये लिखने वाले लोग फिर कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं गढ़वाली ऐसा कुमाऊनी प्रश्न में? ये है कि अब बढ़ रहे हैं अच्छा, और मूवमेंट बन रहा है, ओ अच्छा। पर एक मूवमेंट, एक तो भावनात्मक मूवमेंट होते हैं जो शुरू से, उत्तराखंडी लोग जैसे भू कानून पे बना रहे हैं, तो भावनात्मक आंदोलन है, जब वही भावनात्मक आंदोलन बड़ी वैचारिक शक्ति के साथ होता है, तो उस आंदोलन में ताकत आती है, तो तब सरकार स्वीकार करती है। तो अभी हम उतने स्तर पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन एक वातावरण बनने लग गया है, जैसे सोशल मीडिया से भी बन रहा है, और बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, अब कोई विरोध नई कर रहा नई है। पीढ़ी, हम देखते हैं कि हर्ष काफर या इस तरह के जो कई सारे लोग युवा हैं, वो कुमाऊनी में अच्छे से गढ़वाली में प्रयोग कर रहे हैं। बस 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 हाँ, तो ये जो वातावरण बनेगा, तो मुझे लगता है आने वाले समय में उत्तराखंड की भाषाओं को, उसमें मुख्य रूप से कुमाऊनी और गढ़वाली बचेंगी, जो मतलब वो है, और क्योंकि जो यहाँ की सारी भाषाओं पर वो संकट आने वाले 50-60 साल में काफी वो हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोगों ने उस पर क्या किसी ग्रंथि से ग्रस्त नहीं हुए, तो हो सकता है जी, कुछ लेकिन अच्छा सर रचा जाए।
हम लिखेंगे क्या सर? क्या पलायन की पीढ़ा लिखेंगे? कुमाऊनी गढ़वाली में आदमी लिखेगा क्या? जिस तरह से पहाड़ हाँ लिखिएगा खाली क्या? हो रहा है। अब ऐसा है, देखो जो समकालीन हिंदी कविता है, जो समकालीन मानवीय संघर्ष है, जैसे अभी मैंने कगार की आग की बात की थी आपसे, तो क्या कगार की आग अकेली कहानी है ऐसी? बहुत विसंगति है, बहुत सामाजिक अन्याय है, स्त्री विमर्श है, हम स्त्रियों को गालियां देते हैं ना खूब सारी, ऊटपटांग बोलते हैं, वो मनुष्य है। जो इस समझ के साथ काम करेगा, जो समकालीन समाज की आवश्यकता है उस पर कविता और साहित्य लिखेगा, कगार की आग लिखेगा, अच्छा साहित्य रचेगा, प्रभावी होगा, वो हमारे साहित्य में जब आएगा तो हमारा जो साहित्य है, हमारी भाषा है, वो अगले लेवल पर जाएगी, उसको तुलनात्मक रूप से हम बड़े पटल पर ले जाएंगे। अगर पलायन है, पलायन तो अब अनिवार्य है, ये आपको शायद आंकड़ा मालूम होगा, 2050 तक दुनिया की वैसी आबादी शहरों में आ जाएगी। लोकेश नवानी जो है ना, वो गांव छोड़ गए, 14 साल की उम्र में आ गए थे वो भी, अब मैंने घर बना लिया है, मुझे यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, मेरा भाई मुझसे बड़ा प्रेम करता है, वो मुझे कहता है गांव में आओ, लेकिन मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, नहीं समझे? बिल्कुल बिल्कुल तो इसका एक, वो इसका एक दूसरा कारण है, बेसिकली आर्थिक रूप से विकास नहीं हुआ हमारा पहाड़ का जैसा होना चाहते, जैसे हिमाचल का हो गया है। तो जिस दिन ये भी होने लगेगा, तब लोग वहां करेंगे, हम नई बहसें भी करेंगे, विचार की लड़ाई लड़ेंगे, तब हमारी भाषा बचेगी। पलायन की कविता कोई अंतिम कविता नहीं है। और जो एक और बात मैं बहुत साल से कहता हूँ कि जैसे वो होता है, आउटडेटेड कविता हो जाती है, जैसे ना पहले नराई या प्रेम के गीत बहुत गाते थे, तो अब वो गीत कम गाते हैं, मतलब गाते तो हैं जैसे श्रृंगार वगैरह के, लेकिन बिल्कुल जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो बड़ी आधुनिक, कई लोग कविताएं लिख रहे हैं। उसके बाद एक दौर आया जब वो फौज में जो पति है तो उसके विरह में हाँ गा रही हैं। गा रही गा रही गा रही, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अब वो बिल्कुल थोड़ा सीन से गायब दिख रहा है थोड़ा ना। हाँ। ये बस ये बार बार तुमने नई बात करी, ये बात बहुत होती थी पहले कि वीर मेरे पति जी तुम वीरता प्राप्त करो और वीर गति को प्राप्त हो, मुझे ऐसे ऐसे गीत लिखे जाते थे ना उस जमाने में, और तेरी खुद में मैं दिल्ली की परदेश में रो रहा हूँ, ऐसे गीत गाते थे। अब ऐसे गीत कम हो रहे हैं, अब आधुनिक हिंदी साहित्य में लिखा जा रहा है, वो पहाड़ी में लिखा जाना आरंभ हो चुका है। मुझे विश्वास है कि हमारी भाषाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमारी भाषाओं को महत्व मिलेगा, है ना? और जो हमारी जो भाषा, क्योंकि ये ऐसे किसी इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की कुछ नहीं होती ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो चल हमें चलते अपनी चलते आखिरी सवाल ये होगा कि इस बार की थीम जो है वो शिक्षा पर है कुछ, है ना? ये भाषा, मातृभाषा पर, शिक्षा पर कुछ बात की गई और लगातार नई शिक्षा नीति भी बात कर रही है उस पर कि अपनी कम से कम प्राइमरी स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए और बच्चे बहुत जल्दी इसको ग्रास्प भी करते हैं। तो इसे लेकर क्या कहेंगे आपकी हमारे शिक्षा विभाग वालों के लिए, सरकारों के लिए, कि क्या क्या वो कर सकते हैं बिना 8वीं अनुसूची में शामिल हुए भी? उसमें वो ये कर सकते हैं कि जो हमारे, देखिए हर समाज होता है, मैंने अभी कुछ वर्ष पहले अजरबैजान की कहानियां पढ़ी थी, वो डिफरेंट है, फिर मैंने लैटिन अमेरिका की कहानियां पढ़ी, उनकी ये कहावतें पढ़ी तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पहले तो जब इसने कोलंबस ने खोजा था ना उस दुनिया को, वहां लोग भी अलग टाइप के रहते थे, जिसे रेड इंडियंस भी कहते थे, वो अलग ही भाषा बोलते थे, अलग रंग के भी थे, तांबई रंग था उनका लाल लाल से ना, वो काले भी नहीं थे, गोरे भी नहीं थे, तो अलग बोलते थे। ठीक ऐसे ही हिमालय में अपनी कहानियां हैं, अपनी लोक कथाएं, राजूला मालुशाही है, तिल्लू रौतेली है, ये तो नई है, लेकिन उससे पुराने बहुत सारे जो चीजें हैं, जैसे हितोपदेश की कहानियां हैं। अब उन्होंने कहा जी वो एक शेर था ना, वो गद्दी पे बैठा हुआ था, और बच्चे ने कहा क्या यार, शेर गद्दी पे बैठा हुआ था और उसे तोता उसका मंत्री बन गया, अब वो काल्पनिक था पूरी तरह। ठीक हमारे यहाँ भी ऐसी हजारों कहानियां हैं, उनको संग्रहित कर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो उनके अवचेतन मन में ऐसे आएगा। हमारे कई लोगों ने संघर्ष झेले हैं, हमें उनके नाम पता नहीं है, मर खप गए, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो मौजूद हैं, उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे हम गर्व फीलिंग करते हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, एक बार मैं चेन्नई गया था,
तो चेन्नई में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कहाँ हुआ ये तो नहीं समझ नहीं आया। मैंने कहा ये यूपी से उधर है, ये बहुत पुरानी बात है। तो उसमें मैंने कहा तुमने हिमालय सुना है, पर्यावरण का आंदोलन सुना है, चिपको आंदोलन का, यस यस यस। मैंने कहा मैं उसी एरिया का हूँ। मैंने कहा तुमने केदारनाथ सुना है, यस यस यस, वो बद्रीनाथ पॉपुलर था, केदारनाथ कम था। तो अच्छा जो अच्छा हमारी धरती पर ये सब चीजें हैं, अनुपम है, जिन्हें वो जानते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी भाषा, साहित्य, संस्कृति को बचाने के भी तौर तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इनको पढ़ाएंगे पाठ्यक्रमों में, तो हमारे यहाँ अपने प्रदेश के लिए अपनापन जागेगा, अपनी भाषा के लिए अपनापन जागेगा। बिल्कुल सर, एक सवाल, एक जिज्ञासा है कि जैसे हम दिल्ली या कहीं बाहर जाते हैं तो लोग उत्तराखंड नहीं बोलते हैं, लोग हाँ कुमाऊं भी नहीं बोलते हैं, लोग हाँ हाँ गढ़वाल जानते हैं, लोग गढ़वाल को और गढ़वालियों को जानते हैं ना, मतलब हाँ वो हाँ कुमाऊनियों को भी गढ़वाली बोलते हैं, तो हाँ समझ गया। इसकी वजह क्या रही इसकी वजह गढ़वाल के लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन? हाँ वो इसलिए ये हुआ कि जो गढ़वाल से पलायन कुमाऊं के मुकाबले ज्यादा हुआ, नंबर एक, और गढ़वालियों ने कुमाऊनियों से ज्यादा संघर्ष किया। उसमें हमारा एक प्लस पॉइंट ये था कि जो कुमाऊनी लोग हैं लखनऊ गए, जो लखनऊ में पूर्वांचल नगर से बहुत कुमाऊनी रहते हैं, उसका कारण क्या हुआ कि जो गोविंद बल्लभ पंत थे, या जो जब अंग्रेज अल्मोड़ा में आए तो बहुत सारे कुमाऊनी ईसाई भी बने, सुना होगा तुमने, सुन रखा है? हाँ जरूर। हाँ, तो वो अंग्रेजों के साथ पढ़ने गए, इंग्लैंड पढ़ के, गोविंद बल्लभ पंत का परिवार वहीं हुआ, कहीं इंग्लैंड में तो पढ़ के आए वो। हाँ तो वो लोग बड़े बने, तो उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह छुपा दिया। उन्होंने अपने कुमाऊं में भी तो बड़ा भेदभाव है ना, छोटे बड़े का, तो जो बड़े लोग थे वो किसी को करते नहीं और अपनी प्रकट नहीं करते थे, वो ईसाई बन गए। तुम्हें शायद मालूम हो कि जो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री की वाइफ थी, कुमाऊनी तो थी वो लड़की, अल्मोड़ा की थी वो। उप्रेती। हाँ, तो वो कहा, यानी कि उन्होंने अपनी पहचानों को छुपाया, कुमाऊनी लोग। और आश्चर्य होगा कि एक जमाने में सबसे ज्यादा आईएएस कुमाऊं के लोग ही तो थे। तो भाई जब आईएएस बन गए तो वो छुपा रहा है अपने को कि मैं पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी की इमेज कैसी थी, लेकिन गढ़वालियों ने उसके ठीक उलट जो है ये संघर्ष भी किया और अपनी भाषा को। स्थापित किया। इसलिए गढ़वाली का साहित्य, ये उसमें ज्यादा काम हो रहा है कुमाऊनी के बनस्पत। उन्होंने ऐसे परिस्थितियों से पलायन नहीं किया बल्कि झेला, हाँ, उसको सामने झेला। और बाद में बड़े भी बने, ऐसा नहीं बने कि बड़े ने आज बड़े बने हुए, तो ऐसे नहीं बने हुए। ये डोभाल गढ़वाली बोलता है, बिपिन रावत गढ़वाली बोलता था। हाँ मतलब पूरा माना जाता है कि गढ़वाली लोग कहीं भी जाएं भाई वो आपस में अपना गढ़वाली में ही बात करते हैं। हाँ, बाबा बोल। तो कुमाऊनी में ये प्रॉब्लम हुई कि कुमाऊनी में कुछ लोग ज्यादा बड़े हो गए, अब उन्होंने वो कईयों को कम करा, क्या आका आपस में अब बोला ही नहीं। अब यहाँ पर वैसी बातें नहीं बोलना चाह रहा था, पर मैं एक बड़ी अच्छी वो सुना था कि, हाँ पर अब क्योंकि रेडियो में बोलने लायक बात नहीं है, पर मैं ऐसे उदाहरण दे सकता था, समझ जी बिल्कुल गए ना, कभी अलग से दूंगा कि अच्छा, जो पंत जी थे वो क्या रोल अपनाते थे, समझ क्या बनाते गए हैं ना। क्या तो क्या? गोविंद बल्लभ पंत बड़े बन गए ना एकदम। तो हाँ अब अगर कुमाऊनी बोलेंगे या पहाड़ी बोलेंगे तो कुमाऊनी बोलने से थोड़ा ठीक रहेगा, पहाड़ी बोलेंगे तो मूल्यांकन कम होगा, इसलिए बोलते नहीं थे। अरे सब जानते थे कुमाऊं के हैं ना वो, नहीं समझे। तो उन्होंने हाँ फैसले को कर दिया और अपनी भाषा का त्याग करने लग गए। ये तो जो बात कुमाऊनी में आंदोलन शुरू हुआ 2004 में, पीसी तिवारी साहब मिलकर मैंने बहुत बड़ा आयोजन किया था, बड़ी मेहनत की थी मैंने कुमाऊं में, कुमाऊनी धात भी निकाली मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा सर, क्या समझे। चलते चलते थोड़ा सा आप जो है धात का कुछ ऑथेंटिक जो काम है, किताबें, पत्रिकाएं, ये सेमिनार, गोष्ठियां, कुछ ऑथेंटिक काम पर सरसरी थोड़ा सा 2 मिनट में देखिए, जो बताते मैं हैं। धाद ने शुरू किया था जो कार्यक्रम, तो 21 अप्रैल 1988 को हरिद्वार से शुरुआत की, पहले देहरादून में किया, फिर हरिद्वार में किया, उसके बाद क्या कोटद्वार में किया 18 जून को, 19 जून को दुगड्डा में किया,
गढ़वाली कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी हम सब करते थे ना सिर्फ बचाने के लिए। फिर 14 नवंबर को हमने श्रीनगर में किया, फिर उफरैंखाल में किया, सरायखेत सुन रखा, हाँ। सरायखेत के बॉर्डर पे एक उफरैंखाल है, वहीं पर है आसपास ही, डोटियाल से आगे जाके। फिर ये क्या कहते हैं, शूसी बंगार में किया, फिर धुमकोट में किया, हल्दुखाल में किया, पौड़ी में किया, उसके बाद गोपेश्वर में किया, टिहरी में किया, मैंने अपने गांव में कई सारे किए, देहरादून में किया, ऐसे करते मतलब करते रह गए। तो उससे क्या हुआ कि ये इसका धात का, अब क्योंकि इतनी ये तो बहुत लंबी सूची है, कई गोष्ठियां की, कई पत्रिया छापी, और उत्तराखंड आंदोलन में भी काम किया। उत्तराखंड आंदोलन का एक पहला पोस्टर था, केंद्र ने क्या हमें दिया, सारा हिमालय खाली किया, वो धात ने तो छापा था। अच्छा। हाँ पूछो तो सही, उसको बड़ी चर्चा हुई, मुझे बीबीसी से बोलने का मौका मिला था उसमें, उसमें जो नेपाल का जो उसमें था, उसमें देखने का मौका मिला, वो मेरा वो आया था, मेरा आज तक में इंटरव्यू आया था उस जमाने में। हमने गांधी पार्क देहरादून से राजघाट तक उत्तराखंड आंदोलन के दौड़ लगाई थी 6 दिन की, विद्यासागर नौटियाल ने हमें जूस पिलाकर उसका समापन किया था। हमने पौड़ी में बहुत बड़ी रैली की, हमने श्रीनगर में बहुत बड़ी रैली की, समझ लिया ना, ऐसे बहुत बिल्कुल। सारे काम कर। सरकार को जो दबाव बनाया वो हम ही लोगों ने तो बनाया शुरू में, आज तो लोग बहुत भुना रहे हैं, उसके मूल कार्यकर्ता हम हैं, मैं हूँ, था नाम से किया मैंने सारा काम, मैंने अपने व्यक्तिगत नाम से कुछ नहीं किया, आज भी धात के नाम से ही करता हूँ, धात कोई बोलता हूँ, मैं धात का ही आदमी हूँ। सर, और एक पत्रिका जो आती थी वो अभी निकल धात बहुत रही है। अब ऐसा था कि जो धात पत्रिका थी तो उस जमाने में लोग कम पैसे देते थे, हम भी बहुत बड़े थे नहीं, तो जब मैंने पहली गोष्ठी देहरादून में की थी तो मुझे 58 चंदा दिया लोगों ने, सबसे ज्यादा 5 रुपए, तो मैंने उस समय भी बड़ी गोष्ठी बहुत अच्छी कर दी थी यहाँ। उसके बाद मैंने देहरादून में कई गोष्ठियों की श्रृंखला की, और अच्छा। 1987 में धात पत्रिका शुरू की गढ़वाली में, लेकिन क्योंकि हम बड़े लोग थे नहीं, हमें वैसा अनुभव ही नहीं था, भावनात्मक लोग थे, तो कुछ अंक छाप के बंद हो गए, लेकिन हमने फिर उसे संस्था बना दिया। जी। और जो पत्रिका थी करीब करीब सन 12 में किसी ने हमसे ले ली, वो पत्रिका आज भी गढ़वाली में चल रही है, और कुमाऊनी में जो धात थी वो बाद में हयात सिंह रावत पहरू नाम से उन्होंने अपना जो था उस पब्लिकेशन को कर रहे हैं, कुमाऊनी में वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, पर कुमाऊनी का जो स्तर है अभी उस लेवल का नहीं। होना बाकी है, जिस लेवल गढ़वाली कविता उनसे आगे ओके वहां शुरुआत हो रहा है, तो धात इस तरह ओके से कर रही है, आज भी कर रही है, 11 तारीख से हम 21 तारीख तक तो करेंगे, कल ये जो उसका इतना समापन पुराना, है। 2-3 दशक पुराना जो आपका काम है, जो शुरुआत है, जो मुहिम है, उसका हाँ असर पीढ़ियों तक देखने को मिलेगा ना, गढ़वाल की धरती पे अगर हम हाँ रहें तो। देखो जो कुमाऊं में भी है, 2004 के बाद ही कुमाऊं में कुमाऊनी भाषा आंदोलन शुरू हुआ, तो आज बहुत सारे लोग हैं कर रहे हैं, हयात सिंह राव जो वहां पर है ना, बिल्कुल। क्या कहते हैं ये अल्मोड़ा में रहते हैं एडवोकेट, वो कर रहे हैं, पीसी तिवारी जी ने करा था उस समय, वही अध्यक्ष है वहां की धात के, तो उसके बाद शुरू हो गया वो, और अच्छा चल रहा है, गढ़वाली में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अब इसके जो परिणाम और आकलन जिसे कहते हैं समालोचना में समय लगेगा, मूल्यांकन, हमने जो बिल्कुल काम किया है हमने बिल्कुल। कभी वैसे नहीं किया कि लिख दिया अपने को आगे किया, मैं तो कवि भी हूँ, मैं विचारक भी हूँ, मैं कार्यकर्ता भी हूँ, मैं पेड़ पे भी चढ़ सकता हूँ, रस्सी बांध सकता हूँ, मैंने सब काम कर रखे हैं, आज भी वैसे कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी में बोल सकता हूँ, एकेडमिक बिल्कुल। संस्थान में बोल सकता हूँ, भाषा पर बात रख सकता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, लेकिन मैं हूँ वही साधारण आदमी जिसकी अपनी भाषा थी, जिसने अपनी भाषा के लिए काम किया और उस भाषा को एक प्लेटफॉर्म का नाम दिया जिसका नाम धाद है, जो आज भी चल रहा है, मैं समझता हूँ ये मुझे खुशियां प्रदान करता है, और कुछ मिले न मिले उससे मैंने कभी किसी उसके लिए अपेक्षा नहीं की, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जो भाषा है उसको वो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक अंतिम बात भी अपनी कह देता हूँ, बिल्कुल। जैसे हम कई बार भाषाओं के अधिकारों की बात करते हैं, हम कहते हैं जी कि बस्तर के आदिवासियों को बचाओ, जंगल बचाओ, उनकी भाषा बचाओ, उनके कल्चर को बचाओ, ऐसे बहुत बोलते हैं, हमारे बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बुद्धिजीवी ऐसा अक्सर बोलते हैं, लेकिन जब पहाड़ी की बात करते हैं तो कह रहे तुम्हारे पहाड़ीवाद फैला रहे, तो ये मैं उनका पाखंड मानता हूँ, हिपोक्रेसी एक तरह की। अरे भाई मुझे अगर आज गढ़वाली में बात करने की इच्छा हो रही है और जो मुझे आनंद आ रहा है, तो बुराई क्या है, तुम नहीं बोल रहे तो मत बोलो, लेकिन हम पर आरोप मत लगाओ, वो पाखंडी लोग हैं। तो मैं इसलिए बात को बार बार उठाता हूँ कि जब हम यहाँ पर जो प्रगतिशील लोग होते हैं खासकर, वो भाषाओं को लेकर किनारा कसते हैं,
मतलब इस तरह से करते हैं, टोंट मारते हैं नहीं उसके, वो होना चाहिए। अरे भाई वो बोली जा रही, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहाँ से सीखी, लंदन गया था क्या मैं, कहाँ गया था, बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ से सीखी, अपनी दादी से सीखी। बिल्कुल मैं तो कई तो बार मजाक भी करता रहता हूँ कि भाई मेरी दादी ऐसे बोलती थी ना मुझे, जैसे प्यार से कह रहे मैं तुझे खड़िया दूंगी, खड़िया ना जानती हो, हाँ जैसे तो उधम कर रहा हूं मैं। ये कुमाऊनी में भी यही गाली बोली जाती है, खड़िया हाँ अबे दूंगी। तो मुझे, अब मैं बोलता हूँ मुझे, अब वो तो तब कर, दादी ने ऐसा बोला मुझे नाराज हो जाता था ना, हाँ लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कई बार कहते हैं मेरी दादी मुझे ऐसे बोलती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मुझे मजे आता है। यानी उस शब्द का वो सचमुच में जमीन में थोड़ी गाड़ रही थी गड्ढे में, तो मुझे वैसी बात भी प्रेम से तो बोल रही होगी कि भाई तू ये गड़बड़ कर रहा है, ये वो बोलते हैं ना बच्चे, वो शैतानी नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल धमकाते हैं अपने को, ये मैं तो जो मारूंगा दो झापड़ा, ऐसे लूट पटांग, ऐसे पुरानी दादियां वैसे बोलती थी ना। उसमें एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त होते थे। हाँ अब तो उसमें अब उसे बुराई के रूप में लेने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरी भाषा की भाव संपदा है, शब्द संपदा है, प्रेम संपदा है। नहीं समझे भाई बिल्कुल बिल्कुल मेरी, अगर मेरी दादी ने गाड़ दिया तो मैं आपसे आज कैसे बात करता, मरमुरा जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उस भाषा का मूल्य है और उसका आनंद है बिल्कुल भाषा। सुनवा। मैंने वहां पर जो बोला था हल्द्वानी में भी, हाँ भाषा आनंद के लिए बोली जानी चाहिए, और मैं आपसे बात करके आनंदित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नानी जी बहुत शुक्रिया। फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। अब इतनी सुंदर बातें आपने साझा की। कोई धन्यवाद, कविता? आपको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ, कुछ कविता वगैरह तो नहीं है ना अभी निकली हुई कुछ? एक कविता मैं मातृभाषा पे सुना सकता हूँ, हिंदी में बिल्कुल है वो, बिल्कुल बिल्कुल वो इसलिए सुनाना चाहूंगा कि मातृभाषाएं की क्यों रक्षा करनी चाहिए। मातृभाषा का शोक जो दुनिया में ऐसे बताया जा रहा है ना, कि जैसे भारत की 196 भाषाओं पर संकट है, अब अंडमान निकोबार में तो भाई जहां ना लिपि है ना जहां सरकार है, जहां नंगे लोग रह रहे हैं, वो भाषा तो खत्म हो सकती है। लेकिन जो हम चेतनाशील है, तो उसमें मैंने लिखा है मातृभाषा, तो इसकी पंक्तियां हैं। भाषा का शोक मनाने से पहले, इसका शीर्षक है भाषा का शोक मनाने से पहले, ये शीर्षक है। तो कविता शुरू कर रहा हूं। माँ के मुंह से पहले पहल सुने वे शब्द, जिनसे मैंने जीवन को अभिव्यक्त करना शुरू किया। वाह माँ के मुंह से पहले पहल सुने हुए शब्द, जिनसे मैंने जीवन को अभिव्यक्त करना शुरू किया, जिनसे दुनिया के हर अर्थ को समझा, उस हर शब्द को बचाना चाहता हूँ, उस हर शब्द को बचाना चाहता हूँ। माँ के वे शब्द मेरी पहचान के शब्द हैं, वे सुंदर हैं मेरी माँ की तरह, जिन्हें माँ ने कितने भावों और अर्थ में बोला, वे आज संकट में हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। वे मेरी थाती हैं, उनकी स्वयं की एक शब्द सत्ता है, जो सत्य और सुंदर हैं, जो शिव भी हैं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ तब तक जब तक बच सकें, ताकि बची रहे माँ, बची रहे भाषा, बची रहे संस्कृति, बचे रहे हम। क्या बात है। और जिन शब्दों से मैंने पहले पहले संवाद किया, मैं उस हर शब्द और भावना का वारिस हूँ। मुझे उन्हें अगले वारिसों को देना है, ताकि कोई मुझ पर यह कलंक न लगा सके कि हम अपनी माँ की भाषा के हत्यारे हैं। क्या बात धन्यवाद, है क्या बात है। वाह बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।